योगी ही हैं, विष्णु के कल्कि अवतार। बीजेपी नेता का दावा, कलयुग में अत्याचार को खत्म करने आए योगी। क्या हो गया है धरती पर? कल्कि अवतार का जन्म। भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार होने वाला था, वो बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं। और फिर मंच पर बैठे ब्रजेश पाठक हंसने लगते हैं, जोर जोर से नारे लगने लगते हैं। किसने कहा योगी को भगवान विष्णु का अवतार, कल्कि, और क्यों कहा, बताएंगे आपको पूरा का पूरा मामला। बस उससे पहले जो नहीं जानते कि कल्कि के अवतार का किस्सा क्या है, तो वो ये जान ले कि सदियों पहले सनातन धर्म में कहा जाता रहा है कि वो वक्त आएगा जब धरती पर कलयुग में अत्याचार बढ़ जाएगा, और धरती पर अत्याचार बढ़ जाएगा तब धरती पर भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। वो किसी मनुष्य के रूप में धरती पर आएंगे और समाज को सही मार्गदर्शन मिलेगा। कहा तो ये भी जाता है कि उसके बाद कलयुग की आयु सीमा समाप्त हो जाएगी, सतयुग शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद तो ऐसा ही लगता है कि अगर योगी जैसे 10 नेता भी आ जाएं, तो हो सकता है कि किसी कल्कि अवतार की जरूरत नहीं होगी। बुलडोजर बाबा की शक्ति के बाद 10 में से 3 अपराधी ऐसे हैं जो सरेंडर करते जा रहे हैं। 3 पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो 3 के घर तोड़ दिए जाते हैं। कईयों को समाज से मुक्ति मिल जाती है। सवाल ये कि आखिर बीजेपी नेता ने किस आधार पर दावा किया कि योगी आदित्यनाथ ही कलयुग में विष्णु के कल्कि अवतार हैं? चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंच पर एक तरफ योगी बैठे हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और मोदी सरकार के मंत्री कौशल किशोर भी बैठे हैं। लेकिन तभी मंच पर भाषण होता है उत्तर प्रदेश में दलितों के नेता लालजी प्रसाद। ये दावा करते हैं कि भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार होने वाला था, वो बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं। बात सुनते ही मंच पर बैठे ब्रजेश पाठक हंसने लगते हैं। योगी कुछ रिएक्ट नहीं करते, योगी किसी पेपर को ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। वहीं मंच पर बैठे कौशल किशोर भी हंसने लगते हैं, साथ ही जनता भी हंस पड़ती है। और बस फिर शुरू हो जाता है जय श्री राम के नारे लगना। इस दावे की सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनका बयान सुनाते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि लगता है भारतवर्ष में हमारी धर्म परंपरा के अनुरूप जो 44वां अवतार होने वाला था, वह बुलडोजर बाबा के रूप में आज जनता देख रही है। हिंदू पुराणों को देखें या मुख्य तौर पर विष्णु पुराण की बात करें, तो यहाँ 24वें अवतार का जिक्र है। पुराण की माने तो भगवान विष्णु का यह अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को होगा, इसलिए हर साल इस तिथि पर कल्कि जयंती मनाई जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि यूपी के संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। हालांकि पुराणों में सिर्फ संबल गांव लिखा है, इसलिए राज्य का नाम पूरी तरह से तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।